हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं अपना ये ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है, इससे पहले वाला जो मेरा ब्लॉग था वो काफ़ी पसंद आया लोगों को। बहुत सारे मतलब नॉर्मल जो मेरे वीडियोज़ है उससे ज़्यादा लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स आए हैं उस पर। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी है कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। और आज हमारा मैच है तो मैं अपने मैच डे का ब्लॉग बना रहा हूँ। आज हमारा मैच फिर से वही टेल्को स्टेडियम में है, नरवा पहाड़ टीम है उसके साथ है। तो उसी के लिए आज मतलब पूरा रेस्ट लिया हूँ सुबह से। कल हमारा प्रैक्टिस भी ऑफ था क्योंकि ताकि हम लोग सब प्लेयर रेस्ट कर सके अच्छे से। और आज मैच डे है तो मैच डे के लिए अभी निकलूँगा घर से, अपना किट उट सारा कुछ रेडी करके घर से तैयार वैर होके निकलूँगा। वैसे तो मेरे पास इतना सारा शूज़ है फुटबॉल का, पर ज़्यादातर लोकल टूर्नामेंट के लिए है जिसमें नीचे में छोटा छोटा गोटी रबड़ छोटा छोटा है, ये सारा कुछ है। बट आज हम सोच रहे हैं ये दोनों लेके जाएंगे क्योंकि ये दोनों का नेल्स अच्छा है। बारिश अभी जैसे मानसून का मौसम चल रहा है जमशेदपुर में, देख सकते हैं इसका नेल्स बहुत अच्छा है। एंड ये दोनों का भी, इसका भी नेल्स बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। ये तो वैसा ग्राउंड पे ये वाला ही चलेगा आई गेस। तो यही दोनों शूज़ आज लेके जाएंगे और आज सोच रहे हैं मैच में ये वाला पहनेंगे। काफ़ी दिन से इसको यूज़ नहीं किए हैं और ये है बहुत अच्छा, बहुत हाई नेल्स वाला शूज़ है, बहुत अच्छा भी है। तो अब जा रहे हैं यहाँ से, अपना किट रेडी करने के लिए शूज़ सिलेक्ट हो गया, ये दोनों शूज़ लेके जाना है। अब जा रहे हैं अपना किट रेडी करने के लिए, किट रेडी करके अभी हम यहाँ घर से निकलेंगे। सो गाइज, मेरा किट रेडी हो चुका है, अभी घर से निकलेंगे। अपना सारा कुछ एक बार चेक कर ले रहे, टॉवल ले लिए हैं, दोनों जर्सी ले लिए हैं एंड उसके बाद दोनों शूज़ ले लिए हैं एंड सॉक्स भी पूरा रेडी है और शॉर्ट सॉक्स भी रेडी है। क्रैप बैंडेज एंड सिंगार्ड भी ले चुके हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है मैच के लिए वो सारा कुछ ले चुके हैं। अब बस घर से निकलने वाले हैं, अब थोड़ी देर में ही घर से निकल जाएंगे एंड आगे का आपको ग्राउंड जाके दिखाते हैं वीडियो में। गाइस, अभी हम घर से निकल चुके हैं, जा रहे अपना गाड़ी के पास, गाड़ी लेके वहाँ से अभी जाएंगे स्टेडियम क्योंकि थोड़ा सा लेट हो चुका है आज मेरा। यहाँ मेरा बाइक है, अभी लेके निकलेंगे इसी को, अपना बाइक पे जाएंगे मैच के लिए स्टेडियम। इसको यहाँ निकालना होगा फंसा हुआ दीवार के सामने। तो गाइस, हम निकल चुके हैं अभी अपना घर से, रास्ता में जा रहे स्टेडियम के लिए, देख सकते हैं आप। स्टेडियम यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बट हम निकल चुके हैं, हम यहाँ मेन रोड से नहीं, ये अंदर अंदर जा रहे हैं, नेचर का मज़ा लेते हुए। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ पे बहुत लोग आता है फोटो खिंचाने, आप देख सकते हैं। देखिए आप लुक, देखिए लोकेशन, देखिए लोकेशन, देखिए ये पूरा गोल्फ ग्राउंड है यहाँ पे साइड में। बहुत ही अच्छा यहाँ का लुक है। बाकी आगे आपको ग्राउंड पहुंच के हम दिखाते हैं आगे का। तो गाइस, हम यहाँ ग्राउंड पहुंच चुके हैं, अभी जाएंगे यहाँ से अंदर ग्राउंड में गाड़ी लगा के फिर अंदर जाएंगे अपने किट रूम की तरफ। रंजित भैया, रोक दे, रोक दे, फिर दौड़।
और मैच जीतने के बाद रंगला ए जयंत बहुत अच्छा डिफेंस खेला है, राहुल मुखी को तो आप लोग जानते ही है। मैच के बाद राजू गुइया और गोमिया, राजू तो हाई कर दीजिए, और इसी के साथ संजय भाई मैच के बाद का, संजय भाई हाई कर दीजिए। यहाँ पूरा अपना टीम मैच जीतने के बाद, सुनील हाई कर दे, हाय बोल। घनश्याम दा, शीतल दा, भोला दा, रंगलाल, आसिम दा हाई कर दीजिए। बेटा हाई कर दो। मैच के बाद संदीप बहुत ही अच्छा गोल मारा, और तरुण बहुत अच्छा सेव, और पोरेस बहुत अच्छा मिडफील्ड खेलने के बाद। आज का मैच कैसा लगा संदीप, बताओ अपने फैंस को, और गोल मार के कैसा लगा? और गोल मार के कैसा लगा? गोल मार के बहुत अच्छा फील हो रहा है। नेक्स्ट मैच में भी हम लोग का टीम स्पिरिट रहेगा। नेक्स्ट मैच में भी गोल मारेंगे ना? ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक। आज का मैच नर्वस से था हम लोग का, स्कोर हुआ 4-0, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग का टीम बहुत ही अच्छा खेला, और इसके बाद नेक्स्ट मैच के लिए भी प्रिपेयर रहेंगे, और आप लोग सबको वीडियोज़ के जरिए बताते रहेंगे कैसा रहा क्या रहा, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।